सरकार है ये ठीक नहीं है, समाजवादी एक है और जिसके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव हैं सुप्रीमो, वही एक समाजवादी है, कोई और दूसरा समाजवादी नहीं बन गया। नहीं, मायावती जी ने आज जो आरोप लगाए, जो आंकड़े दिए, जो बातें उन्होंने कही और जो आंकड़े मेरे पास हैं एडीआर रिपोर्ट के तहत 48 में से 26 मंत्रियों के दागी होने के 54% का ये आंकड़ा बनता है। 54% मंत्री उत्तर प्रदेश में दागी हैं। उन्होंने चुनावी हलफनामे में बात कही है, मनोज कुमार पारस बलात्कार के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, ये चुनाव आयोग के हलफनामे में लिखा गया है। यहाँ तो 54% थे, वहाँ 100% सब अपराधी थे, या तो आर्थिक रूप से थे या किसी उसमें थे किसी तरीके से। कम से कम समाजवादी में विधायक और मंत्री बलात्कार करते कभी नहीं पकड़ा गया। बसपा में तो और मनोज मंत्री और मनोज कुमार पारस संघ के पुजारी हैं। बलात्कार करने के बाद, और एक बात और कहूं मैं पारस की, जैसे मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी, आज आपने वो विषय फिर छेड़ा, इसलिए मैं उसमें याद दिला दूं, पारस ने जब यह कांड किया था उस वक्त मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जब यह कांड हुआ था और जिसमें वो अभी हुए। तो अमिताभ जी, अभी पिछली गवर्नमेंट से अभी कंफ्यूजन जो चल रहा है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये निश्चित रूप से हर सरकार में कुछ दागी लोग होंगे, मैं इसमें जुटा नहीं तो सकता हूं। उन दागियों को सरकार में रखा क्यों जाता है, सवाल तो ये है कुशवाहा जी, दूसरी सरकार के कितने चेहरे अपराधी थे, इसके बरक्स अगर हम अपने आंकड़ों की तुलना करने लगे तो मुझे लगता है आदर्श स्थिति नहीं होना ये चाहिए कि हमारे यहां कोई दागी नहीं हो। ये आदर्श स्थिति होनी चाहिए, ठीक बात है। नहीं, मायावती के यहां दागी थे, भ्रष्टाचारी थे, बलात्कार करने के आरोप में लोग जेल गए, इसीलिए जनता ने उनको वहां हट भेज दिया जहां जाना चाहिए था। नहीं, निश्चित बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन अब ये है कि जब ये बात आ रही है कि मायावती जी ने कहा इतना अपराध बढ़ गया, तो फिर ये राम आश्रय जी, मैं मायावती की बात छोड़ता हूं, अव्वल तो सैद्धांतिक तौर पर मैं मानता हूं आरोप कल्याण सिंह लगाएं, राजनाथ लगाएं, मायावती लगाएं या अखिलेश यादव लगाएं, आरोप क्या है ये महत्वपूर्ण है, ये देखा जाना चाहिए। मेरी अपनी निजी जानकारी जो प्रामाणित है, जिस पर आप बहस करेंगे तो मैं सारे फैक्ट आपके पास भिजवा दूंगा आपके कार्यालय में, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके मंत्रिमंडल में 26 लोग आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं जी, एफिडेविट के साथ आप कहेंगे तो मैं भिजवा दूंगा, ये चेहरा तो है। अब ये मायावती कह रही है नहीं कह रही है, मायावती जाने जी, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूं तो ये गंभीर बात है ना रामाश्री जी। जी, और अगर आप कहें तो मैं आपको ये पूरी नाम बता दूं, दफाएं धाराएं बता दूं, ये मेरे पास रखा है, एनालिसिस बेस्ड ऑन डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये मेरे पास रिपोर्ट रखी है। ये निषेधाज्ञा तोड़ने वाले आरोपी नहीं है, जिनको मैं समझ सकता हूं कि पॉलिटिकल लाइफ में रहने वाले लोगों पर 144 तोड़ने के मुकदमे लगते हैं, 151 लगती है। ये वो लोग हैं जो हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती जैसे जघन्य अपराधों में शामिल हुए, अपराध करें या बड़ा अपराध करें, नहीं वहां तक तो रामाश्रय जी हम आप दोनों जानते हैं कि 144 तोड़ने का मुकदमा तुरंत लिख जाता है, जब भी जुलूस निकालो जी। समझ में आता है, 101 शांति भंग समझ आता है, मुकदमा दरोगा लिख देता है, लेकिन आपके खिलाफ रेप का, बला डकैती का, लूट का, छिनेती का ये मुकदमे चले, हत्या के, ये ठीक ही शोभान की बात नहीं ना भारत के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, निश्चित रूप से मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, यदि कोई जनप्रतिनिधि चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री बन गया हो, यदि किसी बलात्कार जैसे केस में आरोपित हो चुका है और उसका आरोप कोर्ट में पहुंच गया है तो उसकी सदस्यता को निलंबित कर देना चाहिए, मैं इसमें सहमत हूं। मैं एक सवाल मैं और पूछता हूं, अखिलेश जी की वाहवाही आपको पता सबसे ज्यादा कब हुई, जब उन्होंने बाहुबली समझे जाने वाले डीपी यादव को तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम बड़े नेताओं की लॉबिंग के बावजूद पार्टी में शामिल होने से रोक दिया, पूरे देश में मैसेज गया कि बॉस ये युवा है, इसके साथ हमें खड़ा होना है, समाजवादी पार्टी का चेहरा बदल रहा है, अब हम सुरक्षित रहेंगे। आप ऐसे लोगों को रख रहे हो जिनका एडीआर रिपोर्ट, जिस तरह से जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड इतना ज्यादा है, 307, 376, 395, 526, 504, ये दफाएं हैं, 302, क्या अब
अखिलेश जी को ठीक वैसा ही साहस नहीं दिखाना चाहिए जो डीपी यादव वाले केस में दिखाया था रामासनी? मेरे लिए डीपी यादव और मनोज पारस में कोई फर्क नहीं। जो व्यक्ति महिला पर बलात्कार करने का आरोपी हो, बात भी मुख्यमंत्री जी ने बाद में भी कुछ मंत्रियों को, एक नटवर गोयल था क्या थे वो, और वो सबको जेल भेजने का काम किया। नहीं नहीं, वो मंत्री नहीं थे, उनको राजमंत्री का दर्जा जरूर हासिल था। बसपा के समय में दर्जा प्राप्त था, लेकिन सातो वरिष्ठ और एक केवल हमारे एक पत्रकार से बदसुलूकी करने में हम लोगों ने, नहीं 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 नहीं, नहीं पत्रकार से बदसुलूकी करे या रिक्शा वाले से बदसुलूकी करे, बदसुलूकी बदसुलूकी है। पत्रकार से बदसुलूकी की चुकी, वो मामला हाईलाइट हो गया। रिक्शे वाले से, पान ठेले वाले से, मोची से, ननकू से आप झगड़ा करेंगे, आप कब्जा करेंगे, तो वो मामला हाईलाइट होने में टाइम लगता है, इसलिए आपने कार्रवाई की पहला। दूसरा ये कि वो बसपा के शासनकाल में बनाए गए थे अध्यक्ष। अखिलेश जी को राजा भैया की क्या जरूरत थी? अखिलेश जी राजा भैया को क्यों निकाल के लाए? इंडिपेंडेंट थे, सरकार आपको 225 दिए थे, आप राजा भैया को उठा लाए जिनके ऊपर इतने चार्जेस हैं। आप बृजभूषण सिंह को ले आए जिसके वारंट निकले हैं कोर्ट से, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन मामले में, दंगों के मामले में, क्राइम के मामले में, दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के मामले में, तो आप किस तरह की सफाई करना चाहते हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव को देखकर वोट दिया था। डीपी, आपने ठीक कहा कि डीपी यादव के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की थी उससे हम लोगों के दिल में उम्मीद जागी थी शायद उत्तर प्रदेश में बदलाव आएगा, एक नई सुबह होगी, नई क्रांति होगी। लेकिन अखिलेश यादव सत्ता में आने के बाद छोटे कर दिए गए और सारी सत्ता जो संभाल ली है वो उनके चाचाओं ने और मुलायम सिंह जी ने और दूसरे लोगों ने संभाल लिया। अखिलेश यादव की मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में या समाजवादी पार्टी में चल रही है। जी कुशवाहा जी, आप भी उन चाचाओं में एक हैं। देखिए ऐसा है, अब वो तो अच्छी बात है कि आपको उनके चाचाओं में सम्मिलित कर रहे हैं। अरे आप हैं, आप यह कौन छीन सकता है? मुलायम सिंह जी भी अपने छीन सकते हैं आप। बदनाम तो ज्यादा हो रहे हैं सारे चाचा, लेकिन करना धरना तो माननीय मुख्यमंत्री को ही होता है, हम लोग सलाह देते रहते। अरे आप राम आश्रय जी दे तब ना। राम आश्रय जी, अगर शहनवाज राणा, मुझे याद है एक बार हम और शाहिद सिद्दीकी जी एक चुनाव के समय किसी राष्ट्रीय चैनल पर बहस में आमने सामने थे, तब शाहिद जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, तो मैंने एक गुड्डू पंडित का सवाल उठाया था। मैंने कहा था अगर गुड्डू पंडित अपराधी है तो फिर वो आपका उम्मीदवार कैसे हो सकता था? अगर आप करें हम अपराध मुक्त व्यवस्था देना चाहते हैं, अगर शहनवाज राणा सपा में हैं तो हम कैसे मान लें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी कि सपा अपराध मुक्त शासन देना चाहती है? दिल्ली से गई दो लड़कियों के साथ जो घटना घटी थी उसमें इनका पूरा परिवार नेम हुआ। शहनवाज राणा फिर समाजवादी पार्टी में, ये स्थिति है। वो शहनवाज राणा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा लिए, रेप के मामले में इन्वॉल्व है, वो रेप वो, में वो भी बलात्कार जैसे कांड के वो है। शहनवाज राणा रेप में इन्वॉल्व जी, वही मुझे मालूम है, वही मैं कह रहा हूँ। और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, और इन्हीं शहनवाज राणा के लिए राम आश्रय जी, उनको जब लोकदल में लिया गया तो मैंने लोकदल से त्याग, शाहिद जी एक मिनट, इन्हीं शहनवाज राणा के खिलाफ जब ये बसपा में थे, समाजवादी पार्टी ने एक दिन का जिला बंद रखा था इन्हीं के खिलाफ, और आज उनकी ज्वाइनिंग हुई मुख्यमंत्री की उपस्थिति में। गुड्डू पंडित को भला आदमी का सर्टिफिकेट कौन देगा? मैं ये कहता हूं कि अपराध में भेदभाव मत करिए, अपराधी अपराधी है उसको शरण मत दीजिए कोई पार्टी हो। चलिए आपकी बातों को हम सिर से लेते हैं और इस संबंध में पार्लियामेंट्री कमेटी में हम इस बात को जरूर रखें। नहीं दिखना चाहिए, जमीन में दिखना चाहिए, सिर्फ सिर माथे पर लेने ले ना ले हमारी कोई मंशा नहीं है। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि साहब वो चीजें जो सही है वो दिखनी चाहिए। अखिलेश जी का इकबाल खत्म मत कीजिए, वो अभी उस नौजवान में बहुत बहुत राजनीति बाकी है, कई वर्षों तक 25-30-40 वर्षों तक उन्हें राजनीति करनी है, कम से कम उनके ऊपर तो तरस खाइए भाई। इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और निश्चित रूप से जो अपराधी किस्म के लोग हैं, समाजवादी में ऐसी कोई मंशा नहीं है, इसमें कहां से क्या एंट्री हो रही इसमें गंभीरता से लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद राम आश्रय कुशवाहा साहब। शाही सिद्दीकी, फाइनल कमेंट आपका। नहीं, मेरा तो यही है फाइनल कमेंट के मैं मुझे रहम आता है उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर के
पूरे देश में बदलाव है आज, पूरे देश में यूथ सड़कों पे आ गया है, पूरे देश में लोग जाग रहे हैं, नए विकास की ओर बढ़ रहे हैं, बिजली है, पानी है, ये मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी सिर्फ धर्म, जाति, क्राइम, जिसको 3C कहते हैं ना, क्राइम, कास्ट एंड कम्युनलिज्म, इसी के ऊपर हम जो है राजनीति घूम रही है। और हम जैसे लोग, हमारी तमन्ना ये है, मैं आज सर झुकाने को तैयार हूं हाथ जोड़ के किसी भी नेता के जो इसके खिलाफ लड़ने को तैयार हो। हम इसी उम्मीद के साथ इन पार्टियों के साथ आते हैं कि शायद बदलाव हो, शायद बदलाव हो, लेकिन बार बार मायूसी का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश को आज इतना बड़ा प्रदेश है, पूरे हिंदुस्तान को बनाने वाला प्रदेश है, पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाने वाला प्रदेश है। आज हम कहां खड़े हैं? और ये इसलिए खड़े हैं कि हमारे नेता जो हैं उनके दिल में सत्ता के अलावा कोई भावना नहीं है। किस तरह सत्ता हासिल करो, इसके अलावा उत्तर प्रदेश को कहां ले जाना है, इससे कोई मतलब नहीं हमारे नेताओं। जी शुक्ला जी, फाइनल रिएक्शन, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम राम भरोसे रहेंगे? पार्टी राम भरोसे ठीक है, लेकिन प्रदेश की जनता को राम भरोसे मत रखिए। देखिए अतुल जी, शाहिद सिद्दीकी साहब ने जो अभी कहा ना, दल बदलने से नहीं होता है। आज उत्तर प्रदेश का युवा भी जाग चुका है, और उत्तर प्रदेश का युवा भी जाग करके पूरी तौर पर एकदम से इस सरकार को भी नेस्तनाबूद करेगा। हम चाहते हैं हर पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी को भी आपके कथनानुसार अपराधियों को बिल्कुल शरण नहीं देना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं देना चाहिए। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि पूरी तौर पर पॉलिटिकल सीक्वेंस ही बैठा करके चलना चाहिए, ठीक बात है, तभी उत्तर प्रदेश के लोगों का भला हो सकता है। ठीक बात, अच्छी बात आप कह रहे हैं, अच्छी बात आप कह रहे हैं, अच्छी बात आप कह रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी एक बहुत बड़े संत थे उत्तर प्रदेश के, उसी गृहनगर से थे जिस गृहनगर में से मैं आता हूं, बांदा से। खैर गोविंद जी, फाइनल कमेंट। मुझे लगता है जो बात अगर सत्ता की भी है, उत्तर प्रदेश में एक इस तरह का संयोग है कि विधानसभा चुनाव के लगभग 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हर बार जब पिछली बार मायावती आई थी तो ये नारा था कि इस बार लखनऊ में कब्जा है और लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कब्जा होगा। यही बात इस बार समाजवादी पार्टी के सामने है। मुलायम सिंह का हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मुलायम सिंह को दिल्ली में मजबूती के साथ भेजना चाहता है, और मुलायम सिंह खुद इस बात के लिए चिंतित हैं। कल नववर्ष में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मंत्रियों को चेताया कि सत्ता पाकर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जब एक लक्ष्य है, अगर राजनीति ही आपका लक्ष्य है और अगले 2 साल आपको अगर अच्छा काम करने के बाद ही दिल्ली का रास्ता आपके लिए आसान हो सकता है, तब सरकारें काम क्यों नहीं करती? ये बहुत हैरान करने वाली बात है। चाहे पिछली बार मायावती का कार्यकाल रहा हो, चाहे इस बार समाजवादी पार्टी। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं जी, बहुत संक्षेप में संपादकीय टिप्पणी। देखिए सारी बातें हो गई, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। ठीक बात, धतूरे को तो खाते हैं तब बौराते हैं, अरे इसको तो हाथ से छू लो तो बौरा जाता है। ये बौराना छोड़ना होगा, मुझे लग रहा है जमीन पर काम करना होगा। और समाजवादी पार्टी के मित्रों से मैं एक बात कहूंगा, जिन्होंने 30-30, 40-40 बरस राजा मनकापुर जीवन के चौथे चरण में, राजा भैया, अर्द्यमन सिंह, आजम खान, शिवपाल, रामगोपाल यादव, इन सबसे मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों ने बहुत राजनीति कर ली, जलवा भी भोग लिया, पक्ष विपक्ष सब में रह लिए, एक अनंत संभावनाओं भरा युवा चेहरा है, इसके साथ न्याय कीजिए। ठीक बात, इसको अवसर दीजिए, क्योंकि ये खारिज हो गया तो समाजवादी पार्टी खारिज हो जाएगी जी। ये ध्यान रखिए और इस बात को गंभीरता से लेने की कोशिश करिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई बहुत धन्यवाद, पहली बार हमारे चैनल में आ पाए, बहुत शुक्रिया आपका। गोविंद जी बहुत धन्यवाद, शुक्ला जी बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी, तुरंत लौटते हैं। आज ली क्या? इंटरेस्टिंग ली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार, गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु
मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। बड़ा खूंखार है वो देशद्रोही ना।